वेलकम टू द प्रोवाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड पार्टी, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। रिलेटेड पार्टी इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन इन इटसेल्फ, और इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन ICDR, LODR, जो सेबी रेगुलेशंस और जो और भी रेलिवेंट एक्ट्स है, जैसे IBC कोड है, तो उसमें ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि सभी एक्ट्स, सभी कोड्स, सभी रेगुलेशंस के रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन सिमिलर है और कुछ कुछ पॉइंट्स अलग है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझो। तो इस डेफिनेशन में बाकी और भी डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी जो हम समझेंगे साथ में। तो आप जो देख रहे हो इसमें है सेक्शन 2 क्लॉज 76। डेफिनेशन हमेशा क्लॉज के साथ होता है, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 76। रिलेटेड पार्टी विथ रेफरेंस टू अ कंपनी मीन्स रिलेटेड पार्टी आखिर होता क्या है। पहला तो है डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब क्या, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 34। डायरेक्टर मीन्स एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अपॉइंटेड टू द बोर्ड मतलब शैडो डायरेक्टर्स नहीं आ सकते। इस जो डायरेक्टर की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ वही डायरेक्टर्स इंक्लूड होंगे जो कि अपॉइंटेड है फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो भी लॉ का प्रोसेस है उसे फॉलो करके जो भी लोगों को अपॉइंट किया गया है इन द बोर्ड, दोज विल बी कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। और इसमें एक और चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, डायरेक्टर और हिज रिलेटिव। रिलेटिव का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 77, जो कि इसके तुरंत बाद है। ये आपके सामने स्क्रीन पे है ये, और ये जो आप ये डेफिनेशंस जो देख रहे हो ये सीधे सीधे MCA की इस वेबसाइट से है। ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियो ये एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड है। तो रिलेटिव का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 77 में, रिलेटिव टू विद रेफरेंस टू एनी पर्सन मीन्स एनी वन हु इज रिलेटेड टू अनदर। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान जो कि रिलेटेड है, ये कंपनीज एक्ट में ऐसा डेफिनेशन आपको मिलता है। प्राइवेट कंपनी क्या, जो पब्लिक नहीं है, जो पब्लिक क्या है, जो प्राइवेट नहीं है, ऐसे डेफिनेशंस आपको मिलते हैं। तो रिलेटेड मीन्स विद रेफरेंस टू एनी पर्सन मीन्स एनी वन हु इज रिलेटेड टू अनदर। इफ कब हम रिलेटेड मानेंगे, इफ दे आर द मेंबर्स ऑफ HUF, जो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होती है, अगर वो उनके मेंबर्स है तो दे विल बी डीम्ड एज रिलेटेड। सेकेंड इज हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब आपका स्पाउस विल बी इंक्लूडेड, डायरेक्टर एंड हिज और हर स्पाउस विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। और थर्ड पॉइंट इज एनी वन पर्सन इज रिलेटेड टू अनदर इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये रूल्स में प्रेस्क्राइब किया गया है। और आप ये जो लिस्ट देख रहे हो अपने सामने, दिस इज द रूल्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स विच इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 77 ऑफ सेक्शन 2 इज इंक्लूडेड। पहला क्या है, फादर। देखो इसमें स्टेप भी इंक्लूडेड है। तो क्या है, फादर, मदर, सन, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर एंड सिस्टर। देखो आपको ये समझना होगा तो कैसे समझोगे, पहले तो अगर मेरा रिलेटिव पता करना है कि कौन है, तो आप पहले ये देखो कि आप अपने आप को यहाँ ऐसे आप खड़े हो जाओ। उसके बाद सोचो कि पहला टॉप में है फादर, फिर है मदर, फिर नीचे क्या है, योर सन और डॉटर, और सन डॉटर के साथ उनके स्पाउसेस, रिस्पेक्टिव स्पाउसेस। फिर आपके जो हॉरिजॉन्टल में है वो है या तो आपके ब्रदर या तो सिस्टर। इसमें क्या चीज़ ध्यान देने की है कि इसमें स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन भी इंक्लूडेड है, लेकिन स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है। ये बात बहुत ही ध्यान देने की है कि स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मदर, फादर, उनके स्टेप, स्टेप फादर, स्टेप मदर दोनों, फिर है डॉटर, सन, उनके स्पाउसेस, रिस्पेक्टिव स्पाउसेस, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर विल बी इन द सेम लाइन। तो ऐसे हम एक फैमिली ट्री तैयार कर लेंगे दिमाग में। अगर ये ट्री तैयार हो गया ना तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एक बार फिर से रिवाइज करते थर्ड टाइम, क्योंकि ये चीज़ें आप एक बार तो समझ लोगे लेकिन उसके बाद रिटेन करने में मुश्किल होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फादर, मदर, सन, डॉटर, उनके स्पाउसेस, फादर मदर के स्टेप भी चले गए, सन का सिर्फ स्टेप चलेगा, सिर्फ सन का, डॉटर का नहीं, उनके स्पाउसेस हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर।
है, ब्रदर एंड सिस्टर के स्पाउसेस नहीं चलेंगे, ब्रदर एंड सिस्टर सिर्फ। तो हमारा इसके बाद हमारा जो डेफिनेशन है, हम लोग फिर आते हैं, ये तो रिलेटिव का डेफिनेशन हो गया, और ये रिलेटिव का डेफिनेशन रिलेटिव पार्टी के डेफिनेशन में भी आगे काम आएगा। जैसा आप देख रहे हो, रिलेटिव पार्टी, पहला रिलेटिव पार्टी वॉज द डायरेक्टर, टू क्लॉज 34 और हिज रिलेटिव, टू क्लॉज 77। ठीक है, अभी हमने समझा है। उसके बाद है केएमपी। केएमपी का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 51 में, ये भी आपके सामने मैं ला देती हूँ। डेफिनेशन ऑफ केएमपी इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स CEO और MD ऑफ द कंपनी और मैनेजर, CEO, MD, मैनेजर, CS। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जैसे जो ICSI से पास आउट होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है KMP में, KMP की डेफिनेशन में। और इसमें और भी एक चीज़ आता है, होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO। क्या क्या है? CEO, MD, मैनेजर, CS, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, सच अदर ऑफिसर्स नॉट मोर देन वन लेवल। देखो जो बोर्ड होते हैं ना उसके वन लेवल के बिलो, जो सीनियर मैनेजमेंट होता है उसके वन लेवल के बिलो नहीं जाते, सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट तक ही जाते हैं KMP। सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड या और प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। तो फिर से लेट्स कम बैक टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। तो पहला पॉइंट हो गया डायरेक्टर हिज रिलेटिव, समझ गए हम लोग, KMP और हिज रिलेटिव। ये भी रिलेटिव का, इसमें भी डेफिनेशन सेम है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 77 को हम रेफर करेंगे। उसके बाद डायरेक्टर रिलेटिव, KMP रिलेटिव। थर्ड पॉइंट इज फर्म इन विच डायरेक्टर, मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। ये बात समझने की है क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्टर, जो डायरेक्टर अगर किसी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर है तो वो फर्म हमारी रिलेटिव होगी। अगर मैनेजर इस कंपनी का उसमें पार्टनर है तो वो फर्म हमारी रिलेटिव होगी। अगर डायरेक्टर मैनेजर के रिलेटिव उस फर्म में पार्टनर है तो वो फर्म हमारी रिलेटिव होगी। ठीक है, फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर या उनके रिलेटिव, डायरेक्टर मैनेजर या उनके रिलेटिव इज पार्टनर ऑफ द फर्म। फोर्थ पॉइंट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब कहा? 2 clause 68 विच इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ मैनेजर और मेंबर और डायरेक्टर। देखो प्राइवेट कंपनी को रिलेटिव रिलेटेड पार्टी तब माना जाएगा जब डायरेक्टर या मैनेजर, जो इस कंपनी के डायरेक्टर है या मैनेजर है उसमें मेंबर भी इंक्लूडेड है, और चाहे इस कंपनी में डायरेक्टर हो उस कंपनी में मेंबर हो तब वो रिलेटेड पार्टी होगी, इस कंपनी में डायरेक्टर हो उस कंपनी में भी डायरेक्टर हो तब भी रिलेटेड पार्टी होगी, इस कंपनी में मैनेजर हो, मतलब इसके बहुत सारे परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो क्रक्स ये है कि डायरेक्टर या मैनेजर जो इस कंपनी का है उस कंपनी में या तो शेयर होल्डर, मेंबर या डायरेक्टर हो तो वो प्राइवेट कंपनी रिलेटेड होगी, या डायरेक्टर मैनेजर के रिलेटिव उस कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर है तो वो कंपनी फिर भी हमारे रिलेटिव होगी। फिफ्थ पॉइंट इज अ पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर। फिर समझने की बात है, अ पब्लिक कंपनी, इस केस में हम डील करते हैं पब्लिक कंपनी से। पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, जो इस कंपनी के रिलेटेड पार्टीज हम ढूंढ रहे हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर, ठीक है, डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर। देखो ये ट्रिकी है, समझने में हल्का टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आप प्लीज इस पर अटेंशन देना 100%, तब समझोगे। पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर, इसमें मेंबर नहीं है, जो कि प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में था, मेंबर भी चलेगा तब वो रिलेटेड पार्टी होगी। पब्लिक कंपनी में ये दायरा कम कर दिया गया, मेंबर इंक्लूडेड नहीं है, डायरेक्टर मैनेजर अगर डायरेक्टर है उस कंपनी में, तो ये पब्लिक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो मेंबर इसलिए एक्सक्लूड कर दिया गया ताकि वो परव्यू कम हो जाए। नहीं तो ऐसे तो आप किसी में भी इन्वेस्ट करोगे आप मेंबर बन जाओगे और वो रिलेटेड पार्टी आपकी कंपनी की बन जाएगी, इसीलिए ये चीज़ों को हटा दिया गया। इस कंपनी में डायरेक्टर मैनेजर इज अ डायरेक्टर, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, या तो वो डायरेक्टर है नहीं तो रिलेटेड पार्ट, रिलेटिव का डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। और सेकंड कंडीशन है या तो वो दोनों डायरेक्टर, डायरेक्टर मैनेजर या डायरेक्टर। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि
हु अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव, मतलब जो ये दो पार्टीज है कोई एक जिसमें है वो उनके रिलेटिव्स के साथ मिलकर अगर 2% से ज़्यादा, नॉट 2% इक्वल टू 2%, इट इज़ 2% से ज़्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते तो भी वो हमारे रिलेटिव बन जाएंगे, रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे सॉरी, जो कि 2 क्लॉज 76 में कवर होंगे। सिक्स्थ पॉइंट इज एनी बॉडी कॉरपोरेट। बॉडी कॉरपोरेट, ये बॉडी कॉरपोरेट को इंक्लूड करने का मतलब और मोटिव सिर्फ ये है ना कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे किसी भी तरीके का कंट्रोल एक्सरसाइज करती है तो हमें उस पार्टी को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो एनी बॉडी कॉरपोरेट, बॉडी कॉरपोरेट मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हो, AOP, BOI, ठीक है। एनी बॉडी कॉरपोरेट हुज, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इज, देखो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर इज कस्टम्ड टू एक्ट, अकस्टम्ड टू एक्ट। आई एम सेइंग इट इन अ लिटिल अब्रप्ट वे बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन दिस। ठीक, हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ, हम इस कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर्स अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। वो कंपनी बॉडी कॉरपोरेट हमारे में रिलेटेड पार्टी तभी होगी जब उसके डायरेक्टर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर या उसके मैनेजर इस कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर की बात माने, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, ठीक है। अकस्टम्ड मतलब हैबिचुएटेड, हैज टू फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय दिस कंपनीज डायरेक्टर एंड मैनेजर, देन ओनली दैट विल, दैट कंपनी विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, ठीक है। और सेवेंथ पॉइंट इज एनी पर्सन, देखो सिक्स पॉइंट में इंक्लूडेड एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी आर्टिफिशियल एंटिटी, इस कंपनी में मतलब सेम ही है लेकिन बस ये है कि इट इंक्लूड्स एनी पर्सन जिससे, देखो ये एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट कह सकते हैं, किसी भी एक्स वाई जेड की अगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनमें अगर मुकेश अंबानी के डायरेक्शंस को फॉलो अगर किया गया तो वो पर्सन हमारा रिलेटेड पार्टी होगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई हमारी एंटिटी पे कंट्रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी के डायरेक्शंस हमें फॉलो करने हैं हमारे डायरेक्टर या मैनेजर को, तो वो पर्सन हमारा रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, देखो अगर इसमें एक बिल्कुल प्रोमोटर के डेफिनेशन की तरह ही है कि अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में, ये बेसिकली प्रोफेशनल्स लाइक CA, CS, CMA, एडवोकेट्स, इनको एक्सक्लूड किया गया है, अगर इनको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो तब तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग फिर हर कंपनी में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे जिस कंपनी का काम हम करते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको एक्सक्लूड किया जाए जो प्रोफेशनल, मतलब जो अपना काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, जो जिस जो इन इस कंपनी से, हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया। और एट्थ पॉइंट इज एनी बॉडी कॉरपोरेट विच इज होल्डिंग सब्सी एसोसिएट ऑफ सच कंपनी। देखो होल्डिंग सब्सी एसोसिएट बिल्कुल रिलेटिव की डेफिनेशन है, होल्डिंग हमारे ऊपर, सब्सी हमारे नीचे और होल्डिंग हमारे साथ वाली कंपनी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इज ऑल्सो अ सब्सिडियरी। ये बेसिकली बात की जाती है सिस्टर कंसर्न की, हमारे कॉमन होल्डिंग कोई कंपनी है और हमारे जो, मतलब देखो हम किसी कंपनी की सब्सी है, उस कंपनी का कोई और सब्सी है, तो वो सब्सी भी हमारा रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ अ कंपनी, जो इन्वेस्टिंग कंपनीज होती हैं वो अगर इन्वेस्ट हमारी कंपनी में करती है तो वो इन्वेस्टिंग कंपनी हमारे रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, या ये तो कॉमन नहीं है, एनी सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो रूल्स में प्रिस्क्राइब की गई है। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन था कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 क्लॉज 76 ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज रिलेटेड पार्टी। एंड ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहे किसी भी लेवल में हो, CMA हो, CS में हो या CMM में हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके कोई भी लॉ पढ़ोगे डिटेल में तो ये डेफिनेशन हमेशा आती है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर ना भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकूँ। थैंक यू सो मच।
बाय।